बाकी अशा प्रकारे भूकंपाची योजना किंवा भाषा कोणी करत असेल। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी। महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे 26 और विधायकों के साथ लापता हो गए हैं। कहा जा रहा है कि 13 विधायक शिंदे के साथ सूरत पहुंच चुके हैं और बाकी सड़क मार्ग से सूरत पहुंच रहे हैं। सड़क मार्ग से सरकार की महाराष्ट्र के सियासी एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग की अटकलें हैं। एकनाथ के साथ शिवसेना हेडक्वार्टर का संपर्क टूट चुका है। शिंदे का फोन नॉट रिचेबल है। सरकार के क्रैश होने की संभावनाएं प्रबल हैं। महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी हलचल है और शिवसेना घुटनों के बल है। दिल्ली में जेपी नड्डा और शाह की बैठक हुई। देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे हैं और इस बैठक के चलते पवार को बुखार है। कांग्रेस भी बेकरार है। महाराष्ट्र सरकार हिल चुकी है, लेकिन संजय राउत बयानों से डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। कह रहे हैं कि यहां कोई भूकंप नहीं आएगा। राउत कह रहे हैं सरकार पर कोई संकट नहीं है, सरकार के लिए कोई तूफान और भूकंप नहीं आएगा। बीजेपी पहले भी हाथ आजमा चुकी है, लेकिन इस बार भी कामयाब नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार को हिलने नहीं देंगे। जल्द ही सभी विधायक जल्द वापस आ जाएंगे। हम लोग राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल संजय राउत को एकनाथ की नाराजगी की वजह बता रहे हैं और घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। भाजपा के लिए शिंदे एकनाथ शिंदे जी हो चुके हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे कुछ परिवर्तन होगा यह कहना यह थोड़ा प्री मैच्योर होगा। इट्स हैंडल विद केयर एंड वी हैव टू सीन वेरी कीनली। वी आर ऑब्जर्विंग ऑल सिचुएशन। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। तो अभी तो संजय राउत जी है थोड़ा ठीक समझ पोलाइट बात करे हर विषय पर मराठी म्हणतो अंगावर जाण्याची आवश्यकता नाही। नहीं, ये हमारी परंपरा है कि कोई चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय नेताओं को मिठाई देने के लिए जाना पड़ता है। तो देवेंद्र जी हमारे संजय राउत भले ही नकार रहे हैं कि भूकंप नहीं आएगा, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ सुनामी आ चुकी है। इमरजेंसी जैसे हालात हैं, तभी उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं और सहयोगी दलों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अब बताइए, जब हालात ठीक हैं, भूकंप आ नहीं रहा, तो कैसे आपातकाल और कैसी आपातकालीन मीटिंग? हलचल तेज है और उम्मीद है कि शाम तक सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश टाइम्स।